अफसोसनाक जो वाकया, और बल्कि सानिया और सानिया के हवाले से ज़रा ब्लॉक पर चर्चा होता है, दो दिन चार दिन एक माह इसके बाद फिर कोई नया सानिया पुराने सानिया की जगह ले लेता है और पुराने मसाइल आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जिनका नुकसान होता है वो शायद अपनी पूरी ज़िंदगी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक आज़ाद रियासत के मकासद क्या होते हैं, एक आज़ाद रियासत की तरजीहात क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, और एक आज़ाद रियासत में रूल करने वाली जो हुकूमत है या उसका हाकिम है, ज़िंदगी से हार जाने वाले जो अपने शहरियों को दोबारा बहाल करने के लिए उसका किरदार क्या होता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये कि सानिया अर्शी या इस जैसे किसी भी हादसे के शिकार अफराद के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमारी आज़ाद रियासत की हुकूमतों ने साबिका रिकॉर्ड में क्या क्या किया है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, रियासत के किरदार के हवाले से जब भी हम राठौर साहब बात करते हैं, रियासत माँ की तरह होती है, रियासत की जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह के साने होना एक हो जाए तो चले उसको हम हादसा कह सकते हैं, लेकिन उसका तसलसल हो तो फिर रियासतों की जिम्मेदारी, लोग मर जाएं तो रियासतों की जिम्मेदारी, लोग लुट जाएं तो रियासतों की जिम्मेदारी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको, आपके नाजरीन को समीम कल्ब से सलाम पेश करता हूँ और जुमात मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, आपका ये सवाल जो है ये इसका जवाब बड़ा तकलीफ दह है, इसलिए कि किसी भी रियासत की ये बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि शहरियों के हकूक का तहफ्फुज करना, और ये इसकी वजह क्या बनती है, इसलिए कि रियासत शहरियों से टैक्स लेती है। अगर मैं रियासत मदीना की बात करूं तो वहां पर टैक्स के नाम पर फकत ज़कात दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो, अगर मदीने की बस्ती में बूढ़ा आदमी जिसको खाना पकाकर खिलाने वाला कोई नहीं था, तो आप वहां सुबह सवेरे जाया करते थे और उस शख्स को खाना खिलाया करते थे। बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हो ने इस प्रैक्टिस को जारी उसारी रखा। लिहाजा अगर रियासत के अंदर कोई शख्स भूखा है उसको खाना खिलाना भी रियासत की जिम्मेदारी है। ये इस्लाम का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, शहरियों के हकूक के तहफ्फुज की जमानत देना। ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की अव्वलीन जिम्मेदारी लगाई थी। अब रियासत पाकिस्तान चूँकि रियासत मदीना ही के खदो खाल पर तामीर होना थी, लेकिन शोमी किस्मत से यहाँ देखे कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है उसका प्लान बनाने के लिए, उसका स्केच बनाने के लिए यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत तो ली जाती है, उसके बाद आंखें बंद कर ली जाती है और ये नहीं बताया जाता कि जनाब उस मकीन, उस बिल्डिंग के जो साकिनान होंगे, जो उसके रिहायशी होंगे, उनके लिए, उनके तहफ्फुज के लिए आपने क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई है। नतीजा ये निकलता है कि रियासत की इस कमजोरी की वजह से हम पाकिस्तान बल्कि कराची में देखें तो हर महीने के अंदर कम से कम दो सानिये ऐसे जरूर होते हैं जिससे कौम लरस कर रह जाती है और वो कागजी कार्रवाई होती है। कमिश्नर साहब भी आ गए, साहब डिप्टी कमिश्नर साहिब भाई आ गए, पुलिस भी आ गई, मीडिया भी आ गया और उन जलती और सोख्ता लाशों को दिखाकर कौम के मुंह पर तमाचे मारे जाते हैं, बताया जाता है कि तुम्हारा फकत इतना हक है कि जलने के बाद तुम्हें मीडिया पर दिखाया जाएगा, लोग आकर तस्वीरें बनाएंगे। अब देखिए अर्शी जो वो प्लाजा था या जो भी था उस पर आकर हर पार्टी अपनी सियासी दुकान चमका रही है। याद रखिए हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया था कि जिसका कातिल, जिस मकतूल का कातिल ना मालूम हो तो उसकी सजा रियासत से ली जाएगी, उसके कातिल फिर रियासत के हुक्मरान कहलाएंगे। ये है इस्लामी तसव्वुर। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएगा आप डॉक्टर साहब कि इस सारी सूरत हाल में ये कोई पहला वाकया नहीं, हमने पहले भी कहा इससे पहले भी ऐसे वाकयात पेश आए, उसके बाद होता ये है कि जख्मियों के लिए और या फिर जो मकतूलीन जो वरसा हैं उनके लिए ऐलान कर दिया जाता है कि इनको इतनी रकम अदा कर दी जाए, और कुछ अरसा गुजरने के बाद जब हमें वो मिलते हैं उनके वरसा तो वो ये बताते हैं कि वो पैसों का जो ऐलान किया गया था हमें वो भी नहीं मिल पाए, फकत ऐलान था। तो क्या ये इस हवाले से हमारे हाकिम जो हैं उनको अंदाजा भी है कि वो क्या कर रहे हैं और इस्लाम क्या बताता है, होना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ कि यहाँ पर जो इस्लाम का एस्पेक्ट है, तसव्वुरात है,
तालीमात है वो जज के मुतालिक भी एक बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न इस्लाम ने बताया है कि जज जहन्नम में भी जा सकता है, जन्नत में भी जा सकता है। इसी तरह एक हाकिम वक्त है, उसकी भी बाकायदा एक जिम्मेदारी है और उसे, अब हमारा आलम तो ये है ना कि हम जिसे चुनते हैं तो हमारा चुनाव तो ऐसा है कि हम साल बाद ही उससे तंग होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि सिस्टम हमारा पूरा ऐसा है, जंग आलू सिस्टम है, जिसकी वजह से हाकिम आते तो है, कुछ ऐसे हैं जो बगैर सिलेक्शन, बगैर इलेक्शन के आते हैं, सिलेक्शन से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्शन से आकर भी सिलेक्शन में रहते हैं। नतीजा ये निकलता है उनकी प्रायोरिटी अपनी बैंक बैलेंस, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द या अपना बॉस, बस उसका हुक्म मानना है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं करना। आप ये देखिए, एक मामूली स्कूटर चलाने वाला एक शख्स है, मामूली इस लिहाज से मैं कहूँगा दौलत के लिहाज से, लिहाजा वो शख्स भी टैक्स देता है, सबसे पहले पेट्रोल भरता है, वो रोड टैक्स देता है, उसके बाद वो मुश्किलात को देता है, हर आदमी यहाँ पर टैक्स दे रहा है। और अब तो आपको मालूम है कि यूटिलिटीज भी इतनी महंगी कर दी गई है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है, इसके बावजूद हाकिम हमारे टैक्सेस से, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो मुहाफिजीन है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत हमारे मुहाफिजीन से फरमाए, इसलिए कि वो जो आपको वर्दी वाला, काली वर्दी वाला, सफेद वर्दी वाला जो नजर आता है रोड पर, वो आपसे रिश्वत के नाम पे एक अलग और टैक्स ले रहा होता है। तो एक पूरा एक सिस्टम जो है मकड़ी का ऐसा जाल है जिसमें पाकिस्तान के शहरी फंस कर रह गए, कोई दाद रसी यहाँ पर करने वाला नहीं है। यकीन जानी पाकिस्तान के अंदर जब आप आते हैं, मैं तो कराची एयरपोर्ट से आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जंजालपुरे में आ गया। आप बाहर मुल्क में, आप श्रीलंका चले गए। खौफ जो है वो जिनसे हिफाजत का एहसास होना चाहिए उनसे लोगों को खौफ आ रहा होता है, ये बड़ा एक अहम एलिमेंट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन में जब कोई इंसान लखपति है, वो ककपति हो गया है, और उसके बाद क्या उसको किसी तरह की भी कोई मदद देना शरई नुक्ता निगाह से ठीक है? जो कल तक खुद किसी की मदद कर रहा था, आज उसे मदद की ज़रूरत है ज़कात की सूरत में, सदकात की सूरत में, क्या उसको लेना भी जायज़ है और क्या देने वाले के लिए भी ठीक है? जी हाँ, देखिए मुदस्सिर साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अगर कोई लखपति करोड़पति भी है लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत में इस्लाम उसको जक़ात के मुतालिक कहता है कि उसको जक़ात दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अरबपति भी है, अगर रास्ते में है, कहीं मुसाफिर है, उसके पास खाने के लिए ही नहीं है, तो जान बचाने के लिए उसे खाना चाहिए, तो इस्लाम कहता है कि वो जक़ात ले सकता है और दूसरा उसे ज़कात दे सकता है। लिहाजा ऐसे अफराद, और मैं ये समझता हूँ कि ज़कात देना ये तो अवामुन्नास की जिम्मेदारी है, लेकिन वो खवास जो है ना, वो हम जब ज़कात हमारी रमज़ान में कटती है ना, तो अगले महीने बंदर वाट शुरू हो जाती है, हमारी ज़कात पर भी डकैती हो जाती है। यहाँ पर तो आलम यह है कि ना ज़कात छोड़ी जाती है ना खैरात। पहले हम कहते थे फ़कीर जो है साइलिन आकर हमारी गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते, ज़कात लेते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं अपना एक मिसाल बताऊं, मेरे यहाँ एक दफ़ा आग लग गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, दो घंटे के बाद उसने आग बुझाई, तो जाते हुए फायर ब्रिगेड का अमला मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ हमारी खर्ची तो दे दीजिए। यानी यहाँ पर ही आलम है कि लाशें गिर रही है, वो आग बुझाने वाला बाद में खर्ची मांगता है। जाहिर है डॉक्टर साहब, जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो लोग तो फिर अपना पेट भरने के लिए हर जायज नाजायज तरीका इस्तेमाल करेंगे। बड़े दुख की बात है, ये अलमिया है, तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा अगर किसी को करना है तो वो सिर्फ हुक्मरान हुकूमत वक्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौड़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।